क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज तक जो इतिहास में हम लोग देखते आए हैं वो पहला एक साइड का सिक्का देखा है कि कहीं ना कहीं गांधी बापू की जो है हत्या गोडसे ने की, मगर हर इंसिडेंट के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है और वो कारण आज की जनरेशन को कहीं से कहीं तक पता नहीं है। तो हमने कोशिश की है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे उनका एक, परंतु हमने कोशिश की है कि आज के लोगों को पता चले कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, अल्टीमेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसकी वजह से उनको ये अपराध करना पड़ा। ना तो मैं उनको हीरो मानता हूँ ना विलन मानता हूँ। उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से, अपनी मनोस्थिति के हिसाब से उन्होंने जो किया वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। चीज हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं था, और हमारे जो हैदर भाई ने और डायलॉग राइटर ने इनकी जो जो भी इनने बोला है हिंदुस्तान की आँख खोल दी है कि क्यों गांधी को मारा गया। सीधी सी बात है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैदर भाई एंड एज ए डायरेक्टर, और आदेश के अर्जुन के जो डायलॉग थे मैं तो शॉक, मैं तो चार पांच मैंने तालियां बजाई है, बिकॉज जो मुझे सही लगा उस पर मैंने रिस्पांस दिया। और मैं सल्यूट करता हूं हैदर भाई को और अशोक जी को, जो इनका जिगरा है कि जो लोगों को पता नहीं था उन्हें उजागर किया, व्हाई ही किल्ड द गांधी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस मूवी एंड आई जस्ट वांट टू से वी आर मोदी जी इज इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग अनडिवाइडेड इंडिया। मेरा सिनेमा जो जाना जाता है वो रियलिस्टिक सिनेमा है। हमारे सिनेमा में सबसे बड़ी बात क्या है कि आज सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ होनी चाहिए। हमारा कोई मसाला सिनेमा नहीं होता है, रियलिस्टिक सिनेमा होता है। तो फिर और ये पीरियड ड्रामा है तो उसमें भी एक फैक्ट कि लोगों को अभी तक जो हमारे आज की जनरेशन है उसको ये पता है कि गांधी जी को का जो ये हो गया नाथुराम गोडसे ने बापू को मारा, ठीक है यहाँ तक पता है, मगर उसके बहुत सारे पहलू हैं। सिक्के के एक पहलू नहीं होते, दो होते हैं। तो हमने उसमें ये दिखाया कि कुछ और भी फैक्ट्स थे जिसको स्टडी किया, रिसर्व किया, उससे ये पता चले कि भाई हम पब्लिक को उनके सामने वो फैक्ट लाना चाहते थे। और ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या है वो जो मैं लाना चाहता था एज ए मेकर, जो मुझे दिखाना था और जो है हिस्ट्री में। ये भी नहीं कि कोई मैंने कोई फिक्शन बनाया है, जो हिस्ट्री में है, बुक्स है, जो भी रेफरेंसेज है उसे लेके ये सिनेमा बना है। और ये एक डिफरेंट सिनेमा है और मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा। हमारी मेहनत कैसी है वो दिखेगी। गांधी जी की जो एक्सेप्टेंस है उस साइड ऑफ कॉइन जो आप दिखा रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ स्टर अप होगा, कुछ कंट्रोवर्सी होगी, पीपल वुड एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट, आर यू ओपन टू दैट चैलेंज आल्सो? मुझे जैसा लगता है कि नाथुराम गोडसे के लिए ऑफ कोर्स इज अ मर्डर, और उसने गलत किया, वो जुर्म है, अपराध है जिसकी उसे सजा मिली, मैं मानता हूँ। मगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि नाथुराम गोडसे ने ये अपराध क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या मजबूरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से किया। तो वो सब फैक्ट्स हैं। ये फिल्म में पॉइंट ऑफ व्यू है नाथुराम गोडसे का, तो उसको हमने ज़्यादा दिखाया है कि इसमें क्या चीज़ है। और गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिनेमा है, आगे पूरा ओपन नहीं कर सकता, पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है। नहीं नहीं नहीं, मेरी कहानी किसी से कॉपी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल है ये डर। मैंने जिहाद फिल्म बनाई थी तो थोड़ी मैंने ये सोचा जिहाद वर्ड से, जब मैं टाइटल लेने गया था लोग डर रहे थे जिहाद क्यों बना रहे, बनाई ना। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या है, ऐसे अब फैक्ट बनाओ, फैक्ट दो ना सिनेमा, इंटरेस्टेड सिनेमा बनता है, रियल बनता है, फैक्ट बनता है, तो उसका डर नहीं है। बट आप कोई भी तथ्य रखो तो विथ प्रूफ है, अगर सच्चाई नहीं है तो गलत हो जाएगा।
तब कंट्रोवर्सी बनेगी। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है, गांधी जी का व्यू है, गोडसे का पॉइंट ऑफ व्यू है। कास्टिंग की बात की जाए अगर अलग कास्ट देखिए हमने वी गॉट कैरेक्टर्स फ्रॉम थिएटर आल्सो, तो क्या कॉन्शियस डिसीजन रहा आपका? इसमें कोई एक्टर जो वेल नोन है जिनके फेस आप जानते हो अगर उनको रखते तो मज़ा नहीं आता ना, तो हमने थिएटर के आर्टिस्ट ज़्यादा रखे। थिएटर एक्टर्स होंगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ये वो कैरेक्टर है और उसका ख्याल रखा हमने कास्टिंग। जब फिल्म बनती है अपना एक फेवरेट पार्ट रहता है, एवरी क्रिएटर एवरी डायरेक्टर हैज दैट वन फेवरेट पोर्शन दैट दे रियली थिंक इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। फिल्म अब जल्दी ही आ रही है, जब तक आपकी आवाज सब तक पहुंचेगी आई एम श्योर द फिल्म आल्सो वुड बी आउट। व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर दैट? मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जो पूरी फिल्म में आपका कोई फेवरेट पोर्शन व्हिच वन शुड लुक फॉरवर्ड टू? मुझे फेवरेट पोर्शन ये जब गोडसे को फांसी लगती है उससे पहले जो जेलर आता है और वहाँ पे जो वो पूछता है और वो एक चिट्ठी लिखता है जो कि प्रूफ है, जो गोडसे गांधी वध एक बुक है उसको रेफरेंस पे, तो वो जो एक इमोशनल एक एंगल है कि मुझे जो पैसे मिलेंगे वो ऐसे कर देना, ये दान कर देना, वो पॉइंट बहुत बड़ा है जिसे हम भूल, हम जिसको खोलना नहीं चाहते, तो उसे मैंने ज़रा इमोशनली खोला है। अब वो मुझे अच्छा लगा पिक्चराइज करने पर, मुझे लगा नहीं जिसको हर का एंगल रखना चाहिए, तो उसे उसकी मैंने कोशिश की। सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रिसर्च में कितना समय लगा? वॉज देर एनी थिंग स्पेशल दैट यू फाउंड आउट विच पीपल रियली डोंट नो अबाउट गोडसे और अबाउट गांधी और अबाउट? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा गोडसे का, गोडसे का मतलब एक पूरी यही है ना? नहीं और भी चीज़ें उसके भी कुछ थाट थे गोडसे के जिसको हमने दिखाना चाह रहे हैं और उस पहलू को रखा है। गोडसे आतंकवादी नहीं है, काफी समय लगा। मैंने अपने प्रोड्यूसर सरोगी साहब जो हमारे लीगल एडवाइजर भी हैं और उनको और राहुल शर्मा जी को, इन लोगों को कहा कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना 10-15 दिन। तो लोग सोचते थे ये कर क्या है, ऑफिस भी नहीं जाता था मैं घर में ही रहता था। तो हमारे साथ में हमारे एसोसिएट डायरेक्टर प्रीति राव, हम लोग दोनों बैठ के सब्जेक्ट पे, आदेश के अर्जुन जो राइटर हैं इसके, हम लोग बैठते थे और हमने सोचा कोई कमी नहीं छोड़ना है, तो वो पूरा टीम वर्क था, एक हमारा नहीं था, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया और एक अच्छा सिनेमा बन गया। एक लीगल सपोर्ट लेके आपने ये फिल्म बनाई, उसका कुछ खास रीज़न? हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो जाता है 2 मिनट में कोई भी किसी पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, सिर्फ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो एक मेकर सिनेमा क्या बनाएगा, उसको तो डर रहता है कुछ भी अगर एक भी चीज़ बोल दिया तो वो बुढ़ी बुढ़ी सिनेमा बनेगा, झूठा सिनेमा बनेगा, इनकी भी तारीफ कर दो उनकी भी तारीफ कर दो, सब लपेटा लपेटी वाला काम, वो होता नहीं हमारे से, इसलिए सिनेमा 2-3 साल में एक ही आता है हमारा। तो थोड़ा खुल के और फैक्ट बताओ, खुल के मतलब ये नहीं कि गलत किसी के लिए हमने बोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर फैक्ट तो बताओ, आज की जनरेशन को पता तो चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अब तो सब नहीं सोचा। फिल्म खुली के क्या एक्सपेक्टेशन है? फिल्म मेरे ख्याल से आज के दौर में जिस तरह सब सिनेमा आ रहा है, मारधाड़ से भरपूर साउथ स्टाइल का सिनेमा आ रहा है और VFX का कमाल है बहुत सारा, तो यहाँ पे कोई VFX नहीं मिलेगा, आपको रियल मिलेगा। ये फिल्म एक डिफरेंट एंगल ऑफ हिस्ट्री है, डेफिनेटली हम लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स देखे हैं, बट नाथूराम गोडसे के ऊपर बनी हुई फिल्म है, तो हिस्ट्री का यही क्या है कि अब हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हर पर्सपेक्टिव हिस्ट्री में, किताबों में भी और फिल्म में भी दिखाना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है। बाकी ऑडियंस और जैसे मैं, हम लोग इस जनरेशन में हैं, हमें हर क्या क्या हुआ घटना सब के बारे में मुझे लगता है कि अवेयर होना चाहिए, और दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म, स्ट्रेट आती है, सिर्फ मैसेज देने वाली फिल्म है, बहुत ज़्यादा यू नो डांस म्यूजिक ये वो कुछ भी नहीं, इट्स अ वेरी बेसिक फिल्म, बट आप फिल्म बैठोगे देखने के लिए तो टिल एंड यू विल फील कनेक्टेड। In this film, playing Godse, और ऐसे कैसा लग रहा है? चलिए समझिए क्या कुछ कहेंगे सर आप? Film is due for release now and yeah, here for special screening, international media, what do you have to say, how excited are you?
Well, everyone of us are very much excited. Sure, yeah, man. Should communicate. Science से हमें बहुत excitement था कि ये दिन जब आएगा, जब ये दर्शकों के सामने अपनी मेहनत पहुंचाएंगे, तो उसका reception और उसके ऊपर लोगों का जो feedback मिलेगा, तब जाके हमारी मेहनत रंग लाएगी. इसी सोच से अभी आज इतना आया है, तो we are very much excited. सवाल कई बार आ सकता है, बट एज एन एक्टर जब इस रोल के लिए मुझे अप्रोच किया गया और मेरे हेडक्टर से मुलाकात हुई, तब इस फिल्म के बारे में जो मुझे उन्होंने अप्रोच किया और एज एन एक्टर तो मैंने सोचा कि इसमें मेरे लिए क्या मायने है, इस रोल को एज एन एक्टर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये सोचकर मैंने इस रोल को अप्रोच किया. सो उस तरह का कोई फियर ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं ये कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम हो सकता है. बट एक कलाकार के तौर पर मुझे अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है, यही मेरी सोच है. वैसे देखा जाए तो प्रेशर या स्ट्रेस ऐसा कुछ था नहीं. जैसे कि हमने शूट किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ शूट हो रहा था और मुझे भी रीजनेबली 2 हफ्ते का टाइम मिला था जब हम शूट पर जा रहे थे. सो आई हैड माई ओन टाइम टू थिंक अबाउट दी डिटेल्स एंड नॉनसेंस ऑफ द कैरेक्टर. और मेरे लिए सिर्फ सेट पर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यही थी कि मैं इनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ से देखूँ. सर से क्या ब्रीफ था आपको व्हाइल ओपनिंग द कैरेक्टर, के क्या माइंड प्रोसेस, क्या थॉट प्रोसेस था और आप उसको कैसे देख रहे हैं? सी हमारा तो ये माइंड सेट था कि वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर एज अ हीरो. देयर इज नो हीरोइज्म फॉर दिस कैरेक्टर. हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि जो इतिहास के पन्ने से एक कैरेक्टर हमने जो लिया है, जिसके बिना एक इतिहास का पन्ना अधूरा है अपने भारत के इतिहास में, तो उस कैरेक्टर का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बहुत सारे लोगों को पता है, इस मीडियम से भी हम लोग पहुंचा पाए, वही हमारा इसमें माइंडसेट था. और कैरेक्टर को लेकर जो ब्रीफ था, सर का यही कहना था कि हम लोग जितना नेचुरल रहें, जितना रियलिस्टिक रहें, उतना ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहे. सो हमारी कोशिश यही. प्रिपरेशन भी ऐसे ही था. मेरे दिमाग में ये था कि आई डोंट वॉन्ट टू हैव एनी हीरोइज्म काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि जो मैंने पढ़ा इसके बारे में, जो प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि पर्टिकुलरली जो एरा हमने इसमें दिखाया है पोस्ट गांधी जी असैसिनेशन, उसी के बाद दुनिया को पता चला इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा, उनका पास्ट लोगों को पता है और जहाँ तक उनके ट्रायल के दरमियान लोगों ने उनको समझा है, जजेस ने हो या ऑडियंस ने हो, जो कोर्ट में लोग मौजूद थे और जो खुद नथुराम कहते थे कि ही वॉज इन दार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जीवित समाधि, एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे इस वक्त के बाद, तो मेरे लिए वो एक अंडरलाइन थॉट था कि ही इज़ नॉट ओवर द टॉप throughout this trial period and he'll be just carrying away with his basic emotion कि मैंने जो किया है वो accept किया है. तो वो thought अगर मैंने रखे करने की कोशिश की है तो I hope so it might have made some impact. But whether any plans है कि cinemas में release करने का, ऐसा कुछ ना कि OTT वाले भी release. मैं बताता हूँ OTT के बारे में detail. उससे पहले एक शब्द समीर के लिए ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान था जब cast मैंने समीर को कर लिया. बार बार जब आता था वो उसको लेके आ जाओ घर पे, समीर तुम्हारे डायलॉग तो याद है ना, मैं ये वर्ड पूछता था डायलॉग पूरे कर लिए ना, क्योंकि आजकल क्या है एक्टर तो कोई भी बन जाता है, कैमरे के सामने डायलॉग तो बोलना है, मतलब वी आर फ्रॉम थिएटर, तो हमको वो चीज रहता है. आप बिलीव करेंगे, अभी ये परफॉर्मेंस आप देखिए और आप सोचते रह जाएंगे, इंडस्ट्री में रेयर एक्टर्स होते हैं जो इतने लंबे संवाद विद द गुड परफॉर्मेंस
ये इस फिल्म की खासियत है जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट है जो मैं समीर के लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा। और आई एम वेरी लकी कि मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, तभी ये फिल्म इस लेवल पे हम पहुँचा पाए। अगर थोड़ा भी वीक एक्टर मिलता मैं इस लेवल पे मतलब फिल्म नहीं दे पाता जो अभी आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा था OTT का ना, ये थिएटर में आपने कहा ना, जैसे थिएटर का क्या है, एक बड़ा सेटअप हो जाता है थिएटर में। आप पिक्चर देखने जाते हो तो कोई स्टार कास्ट होगी तो जाएंगे, है ना, बड़ा रिस्क हो जाता है। पिक्चर देखने का अच्छी पिक्चर होगी OTT पे भी लोग देखेंगे, और जब Z5 पे हमारी पिक्चर आ ही रही तो लोग देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, अच्छा सिनेमा ढूंढ के लोग देख लेते हैं कहीं पे भी हो, तो उसकी उसकी हम लोगों को ये नहीं कि थिएटर में ही आना चाहिए, ये सिनेमा लोग पसंद करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। एक लास्टली एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपको स्टेकर आर्टिस्ट है आप, और फिर इस तरह कंटेंट का अच्छा कंटेंट मिलता है कितना, और अपने आप अंदर से एनर्जी आती क्या ये तो ये करने मजा आने वाला, ये मेरी तरह का काम है जो मैं करता है, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंट अपने आप आ गया जो कंटेंट आपने देखा है? सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता, किसी हर किसी एक्टर के लिए हो सकता है कि अगर ऐसा कोई किरदार निभाने को मिले तो एक सेल्फिश थॉट आ ही जाता है कि यस ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो क्यों चले, क्योंकि इस तरह का जो चैलेंजिंग किरदार है वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी रहती है, और इससे आगे और अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजा खुलने की गुंजाइश रहती है, वही चीज है। जज साहब आ गए हमारे फिल्म, प्लीज नागेश जी वेलकम। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इनके लिए कि सिनेमा में अगर आप लोगों को सिनेमा को गुड लक चाहिए तो भाई कोई अच्छा किरदार नागेश जी को जरूर देना चाहिए। लेकिन इनको हमने और आई थिंक फर्स्ट टाइम ये बात पूछेगा, हमने जितने सिनेमा में कहीं नागेश जी, हम लोग वी आर गुड फ्रेंड, साथ में ही काम किए, मगर ये मौका मिला एंड ही इज प्लेइंग ए जज कैरेक्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है थ्रू आउट हिज फिल्म में। तो अब उस मौके के साथ में सैदर भाई का जो टैलेंट देखा, डायरेक्टर देखा है, बोले जा रहे हैं ना कुछ दिखने एक्सप्रेशन, बाकी लोग कोई ना एक सिंगल रिटेक में नहीं, 3 मिनट के डायलॉग कंट्री से बोले जा रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां समीर जी के लिए। जो भी ट्रेलर मैंने देखा 3-4 बार देखा, क्वाइट इम्प्रेसिव, दैट्स व्हाई आज मैं हैदर भाई के प्रीमियर में आया हूँ, और मेरी तरफ से हैदर भाई को ऑल द बेस्ट, और जबरदस्त हैदर भाई। देखो मैं भी फिल्म लाइन में 40 साल के हूँ, जब मैंने ट्रेलर देखा यू डोंट बिलीव इट, मैंने 3-4 बार उसको वापस रिपीट करते मैंने, इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इनकी टेकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टर समीर बहुत अच्छा लगा। आई एम क्वाइट हैप्पी टू से ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड माय ऑल बेस्ट विशेस टू हैदर भाई, थैंक यू। हैड्स ऑफ बदला था पूरी पिक्चर में, आज ही पता चला पूरी पिक्चर में ग्रिप था, हम जानना चाह रहे थे और आगे और क्या हुआ जो हमको मालूम नहीं था, मालूम नहीं, वी कुड सी बोथ साइड्स ऑफ द कॉइंस लाइक यू नो maybe what is the truth or what is not the truth, we could see that now reality actually reaction dekhte hue mujhe ek cheez batani hai whether Tino or my action director like director mujhe lagta hai Nathuram Godse ke roop mein Modi ji aur Yogi ji wapas mein akhand bharat ke liye wapas aaye, it's very true towards yeah, aur jo itihas hai वो आज के लोगों को कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में,
के बारे में एक नई चीज जानने के लिए हम लोगों को मिली है और पिक्चर देखने में बड़ा आनंद आया. वेरी बेस्ट मूवी.